ओके जी, थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बहुत फ़र्क है, एक तो ये थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ी बात होती है, बड़ा चैप्टर, हीट से रिलेट कोई भी चीज़ हो थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। और थर्मोकेमिस्ट्री खाली क्या होती है, हीट का इन होना या हीट का आउट होना। तो एक ग्रीक लेटर है एंडो जिसके मीनिंग होते हैं इन, एक ग्रीक लेटर है एक्सो जिसके मीनिंग होते हैं आउट। अगर रिएक्टेंट में आप हीट प्लस करते हैं और प्रोडक्ट बनती है तो एंडोथर्मिक, जिसको हम डेल एच पॉजिटिव से जाहिर करते हैं, और अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और हीट निकल रही है तो ये एक्सोथर्मिक, जिसे हम डेल एच नेगेटिव से जाहिर करते हैं। फोटोसिंथेसिस हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, या एन एच फोर सी एल सॉलिड फॉर्म से एन एच फोर सेल एक्वस हो रहा है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में रिस्पायरेशन होता है, बर्निंग ऑफ एनी फ्यूल होता है, या एसिड बेस से सॉल्ट और वाटर बनना है, तो ये भी क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक। तो बच्चों ये हमारी बिल्कुल बेसिक है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक की। एग्जांपल आ सकती हैं कि जी फोटोसिंथेसिस, थर्मल डिकम्पोजिशन और NH4Cl सॉलिड से अगर एक्वस हो रहे हैं, तो ये किसकी एग्जांपल है, एंडो की एक्सो की। तो जनाब ये सारी एंडो की है। अब बर्निंग ऑफ एनी फ्यूल से मुराद CH4 का O2 में बनना, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन जैसे कि अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ब्रेकअप होता है, तो ये है हमारा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। अब एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम उसको कहते हैं जिससे मास और एनर्जी दोनों पास हो जाए। वैसे सिस्टम क्या होता है, अगर मैं अपने रूम को बोलूँ तो एक सिस्टम है, हमारा सोलर सिस्टम भी एक सिस्टम है। आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री क्या है, हॉट क्लाउड कहते हैं उसको। यूनिवर्स इन उर्दू के नाम से अमीन एजुकेशन पे आप लिखें तो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी यूनिवर्स की। अब कमरे की दीवारें जो हो गई वो क्या हो जाएंगी भाई, सिस्टम हो जाएंगी। और सराउंडिंग क्या होगा, कमरे से बाहर की चीज सराउंडिंग होती है। तो मेरे भाई सिस्टम में भी तीन सिस्टम है, एक ओपन सिस्टम जिससे मास और एनर्जी दोनों पास हो जाती है, टी इन कप, चाहे बड़े आराम से गिर सकती है कप में से, ये इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लोज सिस्टम जिससे मास पास ना हो एनर्जी हो जाए, जैसे कि कैटल में जब टी होती है, केतली में से बहुत मुश्किल होता है गिरना, अगर आप गिराए नहीं जानबूझ के किसी के ऊपर, ठीक है जी, तो भाव अलबत्ता उसमें से निकल रही होती है। और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, ना मास निकल सके ना एनर्जी, नीचे आपने इंसुलेटर लगा दिया, ऊपर सील कर दी, तीन दीवार या थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वही रहता है, तो ये मिसाल हो जाएगी आइसोलेटेड। अब देखिए कुछ बची कुछ ही बातें, एक चीज़ कहलाती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिनको हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम, बिग थ्री कह लें, हर चीज़ के बिग थ्री होते हैं। तो कभी आ जाए कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की मिसालें, तो PTV याद रखें ना, बिटावर TV हमारा, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम। और छोटी छोटी बातें, आइसोथर्मल प्रेशर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। अब देखो आइसोबैरिक आइसोकोरिक में बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो आइसोबैरिक की स्पेलिंग में देखो बी आता है और यहाँ पे पी आता है, बी और पी भाई भाई, तो प्रेशर आइसोबैरिक हो जाएगा, तो जो बचा आइसोकोरिक वो वॉल्यूम हो गया, और एडियाबेटिक क्यू हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब कल इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराना है हेसस लॉ, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बहुत है, और ज़ाहिर है मैंने कल के लेक्चर सेंड कर दिए, परसों के भी कर देता हूँ, वो आप टेंशन ना लें। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि कल इंशाल्लाह चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की भी मैं आपको टेस्ट मॉर्निंग में इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा, और उसका सोल्यूशन भी डाल देंगे, ठीक है। इसी तरह डेरिवेटिव का टेस्ट और सोल्यूशन भी, कभी लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है तो बच्चों पर ज़ाहिर आगे पीछे भी हो जाता है स्केचुअल, वो आप टेंशन ना लो, इसमें ये तो फ़ायदा है कि आपके पास रहेंगी चीज़। कल का स्केचुअल 3 से 4 इंशाल्लाह इंग्लिश, 4 से 6 डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन मैथ्स वालों के लिए, और 6 से 8 वेक्टर। जना वेक्टर फिजिक्स और मैथ्स दोनों के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह 8 से 8:15 जो हेसेस लॉ बचा हुआ टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम कवर करा देंगे। अभी 9 से 10 में जनरल मैथ्स होगी इंशाल्लाह, जनरल मैथ्स की वीडियो भी मैं भी सेंड कर रहा हूँ, वो सब उन लोगों को बच्चों देनी है, दाऊद में आ चुकी है पिछले साल। नर्स में वैसे अलग से सेक्शन नहीं है, लेकिन IQ के साथ दे देते हैं, फास्ट में आती है ये। NED का अगर आपको टेस्ट देना है या KU का देना है तो जनरल मैथ्स की ज़रूरत नहीं है। जनरल मैथ्स से मुराद होती है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, और इंजीनियरिंग मैथ्स ये आपकी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव। ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, बहुत अहम टॉपिक है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम कहते हैं डिपेंडेंट ऑन मैटर, ई फॉर एक्सटेंसिव, डी फॉर डिपेंडेंट, डी और ई एक दूसरे के पड़ोसी हैं।
एग्जाम्पल में वॉल्यूम है, मास है, इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, ये सब होती क्या, इनको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉट डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, देखो आई एन से इंटेंसिव की स्पेलिंग है और आई एन से इंडिपेंडेंट की है। मैटर है, प्रेशर है, डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, कंसंट्रेशन है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इस वजह से सवाल बड़ा आसान होता है। इससे हमें पूछते हैं कि भाई इनमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, इनमें से इंटेंसिव कौन सी है। जो इनर्जीज आ रही हैं, इंटरनल एनर्जी, इंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी और मास वॉल्यूम, तो आसान है, ये बस जहन में रख लो कि ये डिपेंडेंट है। बाकी फिर ज़ाहिर है इंटेंसिव है, ठीक है जी, और जो डिपेंडेंट है वो सारी एक्सटेंसिव। जो बड़ा इंपॉर्टेंट एसएस लॉ का अकाउंट न्यूमेरिकल, कार्बन प्लस 2L बना रहा है CH4 और डेल एच एफ पूछ रहे हैं, वही बात, इक्वेशन बनता चाहिए, कार्बन O2 CO2 डेल एच माइनस 394, तो ये वैल्यू याद हो जानी चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू -394 बार बार आ रही है, वाटर की वैल्यू -286 बार बार आ रही है। अब CH4 प्लस 2O2 CO2 और 2H2O बनाता है एनर्जी 890 दे रहा है। आपसे फर्स्ट की इक्वेशन पूछ रहे हैं, वो ट्रिक होगी, 2 और 3 से हम मिलाएंगे 5 में से 4 माइनस करेंगे। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं, फाइनल इक्वेशन का देखो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू जो -394 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई ना भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वाटर के लिए -286 को 2 से मल्टीप्लाई करें, जब 2 से करोगे -572 होगा, इसमें -394 करो, 4 और 2 6, 9 और 7 16, 1 कैरी करो -966, और -890 इसमें से करोगे तो -96 हो जाएगा, 966 में से 890 का लग गया -76 किलो जूल पर मोल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स देने वाले हेलमोट साहब कब दिया था, 1847 में, याद रखना बड़ा आसान है, पाकिस्तान से बनने से 100 साल पहले। ओके जी, ये कहता है क्यू इक्वल टू ई प्लस डब्ल्यू, ई बोले तो इंटरनल एनर्जी, डब्ल्यू बोले तो वर्क, क्यू से मुराद है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई। अब ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू भी हो सकता है, न्यूमेरिकल में हम अक्सर यही मैथमेटिकल इक्वेशन लेते हैं, न्यूमेरिकल में ट्रिक्स भी हैं, सब कुछ है, हैसेस लॉ में खासकर शॉर्ट ट्रिक्स बहुत है बच्चों। अब 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर यानी 10^7 अर्थ, ये एमसीक्यूज बहुत आती है कि 1 जूल या न्यूटन मीटर में कितने अर्थ होते हैं, 10^7 या 0.239 कैलोरी, और 1 कैलोरी में कितने जूल्स होते हैं, 4.18 जूल या 4.18 × 10^7 अर्थ। ऐसे एक एमसीक्यूज बहुत आई है, जबकि ये इतना कॉमन यूनिट नहीं है, 1 लीटर एटमॉस्फेयर बराबर होता है 24.22 कैलोरी के बच्चों। अच्छा चार्ट है, पूरा एक समअप हम इससे कर लेते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का। फ्लो ऑफ हीट एनर्जी क्या होता है, देखिए एक्सोथर्मिक में हमेशा होता है सिस्टम के सराउंडिंग, सिस्टम से चीज सराउंडिंग में जाती है, और एंडोथर्मिक में सराउंडिंग टू सिस्टम, ये एमसीक्यूज आ जाती है बस वक्त। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग क्या होता है भाई, एक्सोथर्मिक में इंक्रीज, एंडोथर्मिक में डिक्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ऐसे आएगा सवाल कि जी टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कहाँ इंक्रीज़ होता है, एक्सोथर्मिक में, एंडोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक का इंक्रीज होता है, एंडोथर्मिक का डिक्रीज, इस तरह ऑप्शन देंगे, तो जी एक्सोथर्मिक का इंक्रीज होता है, एंडोथर्मिक का डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ये अब उल्टा होता है, एक्सोथर्मिक का डिक्रीज और एंडोथर्मिक का इंक्रीज, ऑसम एमसीक्यूज बच्चों। फिर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, हाँ जी एक्सोथर्मिक की लो, एंडोथर्मिक की हाई, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एक्सोथर्मिक की हाई, एंडोथर्मिक की लो, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन प्रोडक्ट जी एक्सोथर्मिक की स्ट्रॉन्ग, एंडोथर्मिक की वीक, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन रिएक्टेंट्स जी एक्सोथर्मिक की वीक, एंडोथर्मिक की स्ट्रॉन्ग। वेल एंथैल्पी चेंज की अगर बात करें तो एक्सोथर्मिक में नेगेटिव, एंडोथर्मिक में पॉजिटिव। अब देखें एग्जांपल्स, ये जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, देखिए एक तो ये कार्बन और O2 बन रहे हैं CO2 एक्सोथर्मिक, रिस्पायरेशन ये शुगर से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ये भी एक्सोथर्मिक में आता है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन भी एक्सोथर्मिक में आता है, एसिड और बेस से सॉल्ट और वाटर बनना, और ये देखें एंडोथर्मिक H पॉजिटिव आ रहा है, थर्मल कंपोजिशन हो किसी भी चीज़ का हमेशा एंडोथर्मिक में आता है। अब ये डिसॉल्विंग में NH4Cl सॉलिड था,
एक्वस हो गया, तो ये भी किस में आएगा भाई? एंडोथर्मिक में ही आएगा. ओके जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू. अभी कुछ बड़ी है एमसीक्यूस. एक कहलाता है क्यू बी, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये डेली के बराबर होता है. और एक कहलाता है क्यू बी, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, जो कि डेल एच के बराबर होता है. डेल एच बराबर होता है ई प्लस पी डेल वी के. अब देखो डेल एच क्या है, ये वर्क फंक्शन है. वर्क फंक्शन और क्वांटिटी में क्या फ़र्क होता है? एनर्जी क्वांटिटी है, प्रेशर क्वांटिटी है, वॉल्यूम क्वांटिटी है. लेकिन दो चीज़, दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट, तीसरे का सम, ये इस तरह की चीज़ कहलाती है वर्क फंक्शन. एनी हाउ, अब न्यूमेरिकल जो आएगा, ये आए हैं, ये पास पेपर में आया हुआ है. 840 जूल्स हीट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब होने का मतलब है क्यू की वैल्यू हम प्लस 840 लेंगे. 300 जूल्स वर डन बाय सिस्टम, डब्ल्यू हम माइनस 300 लेंगे. ये फार्मूला होता है इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, क्यू की जगह 840, डब्ल्यू की जगह माइनस 300, माइनस माइनस प्लस 1140 जूल्स. ये आपका आंसर हो गया. एक और ऐसे बड़ा प्यारा सवाल है, 1000 कैलोरी ऑफ हीट इज रिलीज फोर. अब रिलीज का मतलब क्या है, क्यू की वैल्यू में माइनस लूँगा चना. एंड 400 कैलोरीज वर डन बाय सिस्टम, डब्ल्यू की वैल्यू पॉजिटिव लूँगा. अब देखो इस फार्मूले में पुट करेंगे, क्यू की जा माइनस 1000, डब्ल्यू की जा प्लस 400. माइनस 1000 और माइनस 400 का मतलब है माइनस 1400 कैलोरी, यानी इंटरनल एनर्जी की दफ़ा डिक्रीज हुई है. कल कला को 1400 कैलोरी के दो ऑप्शन हो, एक में इंक्रीज हो, एक में डिक्रीज, तो है डिक्रीज हुई है. और ऊपर क्या हुई थी, इनक्रीज. बच्चों अब जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ बातें बड़ी है. W नेगेटिव होने का मतलब है वर्डन ऑन सिस्टम, W पॉजिटिव लेंगे अगर वर्डन बाय सिस्टम. अगर एक्सोथर्मिक है यानी हीट रिलीज हो रही है तो Q की वैल्यू नेगेटिव. एंडोथर्मिक है, Q पॉजिटिव है तो Q की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब है कि एंडोथर्मिक है, हीट एन हो रही है. E प्लस का मतलब है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है. और E माइनस का मतलब है इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है. बहुत बार देखो इस सवाल में क्या करते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं, कभी 840 कर देते हैं, कभी 848 कर देते हैं, वर्डिंग ऑलमोस्ट यही रहती है. आखिर सवाल है क्या, इन अ सर्टेन प्रोसेस 848 जूल्स ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब, क्यों ये एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम. चलो भाई समझ में आते हैं. व्हाइल 394 जूल्स ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो देखो वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा है, सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है. वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं हो रहा, वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा है. तो इशू ये आता है कि भाई हमारे पास सर्टेन प्रोसेस 8448, ये डेल क्यू की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि एब्जॉर्ब हो रहा है, एवॉल्व होता तो नेगेटिव हो जाता. अब देखो वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम. डेल डब्ल्यू की वैल्यू माइनस 394 जूल्स. अब यार इशू क्या है कि बेसिकली फार्मूला तो ये होता है, हमें डेल यू चाहिए तो इस फार्मूले को रीअरेंज इस तरह से भी कर सकते हैं, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू डेल क्यू. अब डेल क्यू कितना है मेरे बच्चों, 848, और डेल डब्ल्यू कितना है, माइनस 394. अब मैथ्स के रूल कहते हैं माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. सो डेयर डेयर डेयर, 4 + 8 = 12 होता है भाई, 1 कैरी होता है, फिर ये 4, ये 1242 जूल्स आंसर. अब देखो डेल यू की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, कभी डेल यू कम हो तो इसका मतलब क्या होगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है. बड़ा अच्छा सवाल है, इन सर्टेन प्रोसेस 500 जूल्स ऑफ वर्क इज डन ऑन सिस्टम. वेट अ मिनट, अगर वर्क डन बाय सिस्टम हो तो डब्ल्यू पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 500 जूल्स ऑफ वर्क इज डन ऑन सिस्टम, तो डब्ल्यू में माइनस 500 विच गिव ऑफ 200 जूल्स ऑफ हीट. वेट अ मिनट, ये हमारा क्यू है, लेकिन मेरे भाई ये ऐड हो रहा है या बाहर जा रहा है, गिव ऑफ का मतलब है बाहर जा रहा है, तो इसके अलावा क्यू की वैल्यू भी मैं माइनस 200 लूंगा. व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेली फॉर प्रोसेस,
अब पूछ रहे डेली, तो देखो क्यू इक्वल टू ई प्लस डब्ल्यू, ई या यू एक ही बात है, बता चुका इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई बराबर हो जाएगा क्यू माइनस डब्ल्यू। अब क्यों मेरा यहाँ माइनस 200 है, माइनस क्यों है, क्योंकि हीट गिव ऑफ हो रही है, सिस्टम से बाहर जा रही है, और डब्ल्यू है मेरा माइनस 500। तो देखो माइनस ये फार्मूले का और डब्ल्यू की वैल्यू माइनस 500, हमें अच्छी तरह पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 500 और माइनस 200 का मतलब है प्लस 300। अब प्लस 300 का मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, और इंटरनल एनर्जी का आंसर माइनस में आए तो उसका मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है। बात ये है कि एक ये हेसस लॉ के लिहाज से ना बहुत सवाल जो आते हैं उसमें सबसे अहम चीज़ तो ये कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है। देखो कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और इसके लिए जो एनर्जी निकलती होती है माइनस 394 किलो जूल पर मोल। ये जो माइनस 394 किलो जूल पर मोल है इसको हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसी तरह H2 प्लस हाफ O2 मिलके वाटर बनाते हैं, तो जो ये हीट निकल रही है माइनस 286 किलो जूल पर मोल, ये भी क्या कहलाती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन और वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू याद होनी चाहिए, पेपर में बहुत पूछते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी होती है, माइनस 394 किलो जूल पर मोल, वाटर की कितनी होती है, माइनस 286 किलो जूल। बड़ा अच्छा है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्या होता है, प्रोसेस विच टेक प्लेस ओनली ऑन इट्स ओन विदाउट एनी आउटसाइड असिस्टेंस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यानी क्या मतलब हुआ, जैसे देखो वाटर फ्लो फ्रॉम हायर एंड रियल लेवल, बाहर की कोई इमदाद की जरूरत तो नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इज स्पॉन्टेनियस एसिड बेस रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल। इसके बरक्स नॉन स्पॉन्टेनियस में हम क्या कहते हैं, प्रोसेस विच नीड एक्सटर्नल असिस्टेंट टू स्टार्ट इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे कि पंपिंग ऑफ वाटर, अभी भाई कोई ना कोई हेल्प चाहिए ना मशीनरी आपको, या ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड इंटीरियर पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू द हॉट सराउंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब देखो स्पॉन्टेनियस में हम कहते हैं इट मूव फ्रॉम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट टूवर्ड्स एन इक्विलिब्रियम स्टेट, नॉन स्पॉन्टेनियस में इट इज़ द रिवर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और स्पॉन्टेनियस इज यूजली एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है, हीट इवॉल्व होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक इन नेचर। आ चुकी है हमसे कि स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक होता है या नॉन एक्सोथर्मिक होता है, और ये भी एमसीक्यूज आ चुकी है कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है, यूनि डायरेक्शन या इरिवर्सिबल या रेल प्रोसेस। तो ऑप्शन ए था इस तरह कि यूनि डायरेक्शन, ऑप्शन बी था इरिवर्सिबल, सी था रेल, डी था ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव। जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल रिवर्सिबल एंड इमेजिनरी। एग्जाम्पल ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ, वाटर फ्रॉम हॉट लेवल, हाइयर लेवल एंड अ रेल लेवल, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस बेस रिएक्शन। और यहाँ की नॉन स्पॉन्टेनियस की एग्जाम्पल में पंपिंग ऑफ वाटर अवेल, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड इंटीरियर पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू द हॉट।